चिंगारी कोई भर के। मैं तंग आ चुका ऐसी जिंदगी से, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, उससे मैं एक छोटा सा होटल खोलूंगा जहाँ अमीर गरीब छोटे बड़े सब पेट भर के खाना खा सके, जिनके पास पैसे हैं वो भी, जिनके पास पैसे नहीं वो भी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में जतिन खन्ना के रूप में हुआ था। उन्हें चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने गोद लिया और उनका पालन पोषण किया, जो उनके माता पिता के रिश्तेदार थे। उनके पिता पश्चिम पंजाब से अमृतसर के गली तिवारियन में चले गए थे। खन्ना मुंबई के गिरगांव के पास ठाकुर द्वार में सरस्वती निवास में रहते थे। उन्होंने अपने दोस्त रवि कपूर के साथ सेंट सेबेस्टियन गोवा हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिन्होंने बाद में मंच नाम जितेंद्र रख लिया। खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में रुचि लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई मंच और थिएटर नाटक किए और इंटर कॉलेज नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। 1962 में खन्ना ने अंधा युग नाटक में एक घायल मूक सैनिक की भूमिका निभाई और उनके प्रदर्शन से सभी प्रभावित हुए। मंच में बैठे मुख्य अतिथि ने उन्हें जल्द ही फिल्मों में आने का सुझाव दिया। खन्ना ने 1959 से 1961 तक पुणे के नौरोजी वाडिया कॉलेज में कला स्नातक के अपने पहले 2 साल पूरे किए। खन्ना ने बाद में केसी कॉलेज मुंबई से पढ़ाई की और जितेंद्र ने सिद्धार्थ जैन कॉलेज से पढ़ाई की। जब खन्ना ने फिल्मों में आने का फैसला किया तो उनके चाचा के तलवार ने उनका पहला नाम बदलकर राजेश रख दिया। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्मफेयर द्वारा 1965 में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में राजेश खन्ना अन्य FTII छात्रों सुभाष घई और धीरज कुमार के साथ 10,000 से अधिक प्रतियोगियों में से 8 फाइनलिस्टों में से एक थे। राजेश खन्ना ने फरीदा जलाल के साथ प्रतियोगिता जीती। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत से की। उसके बाद रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित राज में भी अपनी प्रतिभा जाहिर की। 1971 में उन्होंने हाथी मेरे साथी में अभिनय किया, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और तब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई। राजेश खन्ना ने 1969 और 1971 के बीच लगातार 15 हिट फिल्में दी। आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, कटी पतन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी। 1969 से 1971 तक मुख्य नायक के रूप में उनकी लगातार 17 हिट फिल्में थी। द हिंदू अखबार द्वारा 2014 में लिखी गई राजा रानी की समीक्षा के अनुसार फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 2014 की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए फिल्म ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की होगी। राजेश ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया। वे पड़ोसी थे और आपस में बहुत अच्छे थे, जिसका असर स्क्रीन पर भी दिखा। मुमताज ने उनके बारे कहा था, मैं उनकी टान खींचती थी और उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में उन्हें चिढ़ाती थी। जब भी राजेश मद्रास के किसी होटल में प्रवेश करते थे तो आधी रात को उन्हें देखने के लिए 600 लड़कियों की कतार खड़ी होती थी। उनके लिए मुझे भी कुछ महत्व मिलता था, लोग मुझसे भी ऑटोग्राफ मांगते थे। वह अपने सहयोगियों के प्रति बहुत उदार थे और खूब पार्टी करते थे। ये था मुमताज के जवानी खन्ना साहब के लिए। उनके लिए लोग इतना पागल था कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उन्हें लोगों ने घेर लिया करता था। प्रशंसकों ने उनकी कार को चूमता था, उनकी गाड़ी में लड़कियों के लिपस्टिक के निशानों से ढक जाती थी। अपनी खून से महिला प्रशंसकों ने उन्हें पत्र लिखकर भेजते थे। उनके बंगले के बाहर हर दिन उनके निर्माताओं और उनके दीवाने प्रशंसकों की कारों की कतार लगी रहती थी। अमर प्रेम के फिल्मांकन के दौरान एक दृश्य था जिसे हावड़ा ब्रिज पर फिल्माया जाना था, जिसमें नाव पुल के नीचे खन्ना और शर्मिला को ले जाने वाला था। अधिकारियों ने इस दृश्य को खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर जनता को पता चला कि खन्ना साहब वहां होगा तो इससे पुल पर समस्याएं पैदा हो सकती हैं और अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे लोगों की संख्या के कारण ये ढह सकता है। 1970 के दशक में किशोर कुमार द्वारा गाए गए कई गाने राजेश खन्ना पर आधारित थे। 1970 के दशक में शर्मिला के साथ उनकी केमिस्ट्री बनी। शर्मिला टैगोर ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि काका को देखने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आए। वे उनकी एक झलक पाने के लिए स्टूडियो के बाहर कतारों में खड़े हो जाते थे। वे उनकी तस्वीरें खींचते थे, वे उनके कपड़े खींचते थे। मुंबई की लड़कियों की तुलना में दिल्ली की लड़कियां उनके लिए ज्यादा पागल थी। जब वो सार्वजनिक स्थान पर होते थे तो उन्हें पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होती थी।
मैंने पहले या उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। गुरु कुर्ता और शर्ट पर बेल्ट पहनने का चलन 70 और 80 के दशक में खन्ना के कारण प्रसिद्ध हुआ। अभिनेता सलमान खान ने कई साक्षात्कारों में कहा है कि उन्होंने या आमिर या शाहरुख ने अभिनय के क्षेत्र में या अपने स्टारडम के मामले में खन्ना जी ने जितनी उपलब्धियां हासिल की है उसका 10% भी हासिल नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस एमपी के रूप में 1991 से 1996 तक कार्य करने के बाद उन्होंने 1994 के खुदाई में मुख्य भूमिका निभाते हुए अभिनय में वापसी की। 1990 में खन्ना ने गोविंदा और जूही चावला अभिनीत ब्लॉकबस्टर स्वर्ग में भी काम किया, जहां उन्हें मुख्य भूमिका में एक संरक्षक की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। 1992 के बाद उन्होंने केवल 10 फिल्मों में काम किया और अधिकांश फिल्मों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आ अब लौट चले और क्या दिल ने कहा में एक एनआरआई के रूप में वापसी की और 1996 में सौतेला भाई, 2001 में प्यार जिंदगी है, 2009 में काश मेरे होते, 2008 के वफा में और 2010 के रियासत मुख्य भूमिका निभाए। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में खन्ना को तत्कालीन फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से प्यार हो गया। वे 7 साल तक रिलेशनशिप में थे। खन्ना के अचानक स्टारडम और उनके इस आग्रह के कारण कि महेंद्रू ने अपना अभिनय करियर छोड़ दिया, अंततः उनका रिश्ता खत्म हो गया। बाद में खन्ना ने 31 वर्ष के उम्र में मार्च 1973 में नवोदित अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया से शादी की, जो उस समय 15 वर्ष की थी। शादी से खन्ना और कपाड़िया की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी। खन्ना और कपाड़िया 1982 में अलग हो गए, लेकिन तलाक की कार्यवाही कभी पूरी नहीं की। यासिर उस्मान की खन्ना की जीवनी के अनुसार दोनों अलग हो गए क्योंकि कपाड़िया अभिनय में वापसी करना चाहते थे। जब उन्होंने खन्ना से शादी की तो उन्होंने अभिनय छोड़ दिया था क्योंकि खन्ना चाहते थे कि उनकी पार्टनर एक गृहिणी हो। शादी के कुछ साल बाद कपाड़िया ने अपना करियर फिर से शुरू करने का फैसला किया। हालांकि खन्ना इस बात पर अड़े रहे कि उनकी पत्नी काम नहीं करेगी। अंततः कपाड़िया ने खन्ना को छोड़ दिया और फिल्मों में अपना करियर शुरू किया। 1980 के दशक में टीना मुनीम को राजेश खन्ना से प्यार हो गया था। मुनीम अपने स्कूल के दिनों से ही राजेश की प्रशंसक रही थी। वह 1981 और 1986 के बीच 10 फिल्मों में एक साथ दिखाई दिए। वेबसाइट बॉलीवुड मंत्रा रिपोर्टर के अनुसार खन्ना ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी शादी का उनकी बेटियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि खन्ना और कपाड़िया ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, जहां वे दोनों पार्टियों और पारिवारिक समारोहों में एक साथ देखे जाते थे। कपाड़िया ने खन्ना के चुनाव के लिए प्रचार भी किया और उनकी 1990 जय फिल्म जय शिव शंकर में काम किया। हालांकि फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। जून 2012 में ये बताया गया कि राजेश खन्ना का स्वास्थ्य कुछ समय से बिगड़ रहा था। 23 जून को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और कथित तौर पर वह ठीक थे। 14 जुलाई को खन्ना को लीलावती अस्पताल में फिर से भर्ती कराया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी दे दी गई। 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। सूत्रों ने पुष्टि की कि जुलाई 2011 से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था क्योंकि उन्हें कैंसर का पता चला था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सह कलाकार मुमताज ने कहा कि वह पिछले वर्ष की अवधि से कैंसर से पीड़ित थे और कीमोथेरेपी सत्र से गुजर चुके थे। उनका अंतिम संस्कार 19 जुलाई को 11 बजे हुआ। उनके अंतिम संस्कार समारोह में 9 लाख लोग शामिल हुए थे और उनके प्रशंसक सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, पुणे, बेंगलुरु जैसी जगहों और यहां तक कि विदेशों से भी आए थे। उनके बांद्रा स्थित घर से शमशान तक जुलूस के लिए एकत्र हुए प्रशंसकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। 25 जुलाई 2012 को उनकी अस्थियों को उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया और बेटी रिंकी खन्ना ने ऋषिकेश, उत्तराखंड में गंगा में विसर्जित कर दिया था। एक अभिनेता के रूप में अपने चरम पर वह 1970 के दशक की युवा पीढ़ी के दिलों की धड़कन थे, जिन्होंने खुद को उनके और उनकी शैली के अनुसार ढालने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।